आप देख रहे हैं दखल न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 45 लाख रुपए तक के मकान को खरीदने पर टैक्स में छूट के फैसले का फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। अफोर्डेबल मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया। इसके लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ECB गाइडलाइंस आसान की जाएंगी। निर्मला सीतारमण के मुताबिक फॉरेक्स लोन नियम को आसान बनाया गया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। वहीं 25 लाख रुपए तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी। इनकम टैक्स में ई असेसमेंट स्कीम लागू की जाएगी। ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी। असेसमेंट में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन टिल नाउ। द स्टेप्स टेकन, अ क्विक रन थ्रू ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अफोर्डेबल हाउसिंग, यू नो, ड्यूरिंग द बजट वी हैड अनाउंस्ड एडिशनल डिडक्शन ऑफ अप टू 1.5 लाख फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स बोरोड अप टू 31st March 2020, पार्ट ऑफ माई बजट अनाउंसमेंट। To purchase of house valued up to 45 lakhs. I have had quite a few housing finance corporation companies calling me to say this particular scheme has had very good offtake. There is a lot of response. In fact, I wouldn't even name the officials who've spoken to me, but now it's out for all of us to even check up that this particular scheme for affordable housing has really taken off very well. निर्मला सीतारमण ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। 1 जनवरी 2020 से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS की जगह नई स्कीम RODTP को लॉन्च किया गया है। नई स्कीम से सरकार पर 50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं एक्सपोर्ट में ई रिफंड जल्द लागू होगा। चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रामदास अठावले ने कहा कि पाकिस्तान अगर खुद के लिए अच्छा चाहता है तो उसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत को सौंप देना चाहिए। अगर वे युद्ध नहीं चाहते और इमरान खान पाकिस्तान का भला सोचते हैं तो उन्हें POK हमें सौंप देना चाहिए। अठावले यही नहीं रुके, उन्होंने साथ ही कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि POK के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं और वे भारत में मिलना चाहते हैं। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान ने कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा कब्जा कर रखा है। यह एक गंभीर मसला है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाक PM इमरान खान ने शुक्रवार को POK में रैली को संबोधित करते हुए भड़काऊ बयान भी दिया था। इसके पूर्व पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की भी चेतावनी दे चुका है। पाकिस्तान को अपना अच्छा भला करना है तो पाकिस्तान ने पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले करना चाहिए, और अगर कोई झगड़ा नहीं चाहते है, अगर युद्ध होना नहीं चाहते है तो, और पाकिस्तान का हित अगर इमरान खान चाहते हैं तो उन्होंने पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले करना चाहिए। और बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है कि पाक व्याप्त कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते है, वो वहाँ बहुत बड़े परेशान है और वो मतलब भारत के साथ जुड़ना चाहते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी PM मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह अभियान के जरिए मना रही है। इस अभियान की आज से शुरुआत हुई। इस अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता और नेता सब सेवा कार्य करेंगे। भाजपा अध्यक्ष व गृह मंत्री अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली के एम्स अस्पताल में पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों के वार्डो में जाकर उनसे मुलाकात की और फल बांटे। इसके बाद अमित शाह और JP नड्डा ने एम्स में साफ सफाई की। इस दौरान भाजपा नेता विजय गोयल और विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। इस सेवा सप्ताह की हमने शुरुआत की है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के निमित्त। इस सेवा सप्ताह देश भर के करोड़ों सेवा प्रोजेक्टों को, प्रकल्पों को एक बड़ी ताकत देगा। भारतीय जनता पार्टी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अधिकार दिया है, ऐसी सभी ग्राम पंचायतें, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तालुका पंचायत, जिला पंचायत और सरकारें, ये भी इस सप्ताह में सेवा के काम को बढ़ावा देना और सरकार की पूरी मशीनरी
सेवा प्रकल्पों में लगाने का एक अभियान चला रही है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता देश भर में आज से सेवा सप्ताह की शुरुआत करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया और गरीबों के लिए काम किया, इसीलिए यह ज्यादा सही होगा कि हम उनके जन्मदिन के सप्ताह को सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएं। सीएम कमलनाथ ने कहा कि इंदौर की जो जनसंख्या है वह अधिक है और इसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है। यदि नोएडा नहीं बना होता, गुड़गांव नहीं बना होता तो दिल्ली का क्या होता। मुंबई में थाने को विकसित किया गया, इसी प्रकार इंदौर और राज्य में होने वाले विकास को लेना होगा। उन्होंने इस दिशा में सुनियोजित विकास करने पर बल दिया। इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के शिलान्यास समारोह में राज्य के मंत्री जयवर्धन सिंह, तुलसी सिलावट, सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी आदि मौजूद थे। समारोह में सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री जयवर्धन सिंह ने ब्रिलियंट कन्वेक्शन सेंटर में कहा कि 8 साल पहले 2011 में इंदौर मेट्रो की डीपीआर तैयार की गई थी। उस समय नगरीय विकास मंत्री बाबूलाल गौर थे और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ थे। उस समय भी कमलनाथ ने इंदौर मेट्रो को लेकर कोशिश की थी। उन्होंने देश के अन्य शहरों में भी मेट्रो रेल स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन यह तो ऊपर वाले का करिश्मा है कि इंदौर मेट्रो का भूमि पूजन भी तब हुआ जब राज्य के सीएम कमलनाथ हैं। मेट्रो का जो शिलान्यास हुआ है इंदौर में, ये एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। 5 साल बाद का कैसा हम इंदौर चाहते हैं, 5 साल बाद हम कैसा भोपाल चाहते हैं, 10 साल बाद का कैसा इंदौर और भोपाल चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हम फैलाएं, पर जो आज की इसकी ढोने की कैपेसिटी है इसको हमें सुरक्षित रखना है। ये ढोने की कैपेसिटी बढ़ नहीं सकती, हमारी पानी की बात होए, नाली की बात होए, सड़क की बात होए, पार्किंग की बात होए, ट्रैफिक की बात होए, इसके लिए मेट्रो की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल के लिए पूरे शहर को सर्कल फेस में लिया गया है। हालांकि सांवेर, देवास, महू अन्य शहरों में भी मेट्रो चलाने की मांग नेताओं ने की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परियोजना की शुरुआत के बाद इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। राज्य के मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने हुकुमचंद मिल के कर्मचारियों के हित में आवश्यक कदम उठाने की मांग सीएम कमलनाथ से की। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले, ऐसे प्रयास शहर में होते रहे हैं। यहां मेट्रो की भी आवश्यकता है, तत्कालीन सीएम ने इसके लिए प्रयास किए थे। रेत के अवैध परिवहन के मुद्दे पर गुरुवार देर रात होशंगाबाद कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की एसडीएम रवि श्रीवास्तव से जमकर तूतूमेमे हुई। रेत डंपरों पर कार्रवाई करने गए एसडीएम को नाराज कलेक्टर ने पहले अपने बंगले पर बुलाया, फिर ऑफिसर्स क्लब की फाइल नहीं देने के साथ ही भाजपा विधायक सीतासरण शर्मा के भतीजे वैभव शर्मा के रेत स्टॉक के बाहर खड़े डंपरों पर कार्रवाई को लेकर एसडीएम से सवाल पूछे। एसडीएम की माने तो उन्हें कलेक्टर बंगले में बंधक बना लिया गया था और 3 घंटे कलेक्टर ने एसडीएम को बंगले से पैदल ही जाने दिया। फिर कलेक्टर ने एक लीपापोती करने वाली रिपोर्ट संभाग आयुक्त को भेजी, जिस पर उल्टा एसडीएम को नोटिस दे दिया गया। इसके बाद कलेक्टर ने एसडीएम को पद से हटा दिया, उनसे सरकारी गाड़ी वापस ले ली। इस पूरे मामले में कलेक्टर का व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन कलेक्टर इस मामले में कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। उन्होंने एसडीएम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सब गलत है, वो तो जो ऑफिशियल काम के लिए उनको बुलाया गया था और उस समय सारे ऑफिस के लोग भी थे, डीएम साहब भी थे, सभी थे, और उनको चूंकि उनकी शिकायतें बहुत समय से आ रही थी, कल भी उनके गलत ऐसे थे जिसके कारण उनको हटा करके रिचार्य को एसडीएम बनाएंगे। शिकायतें जांच करके बताएंगे, जब शासन को भेजेंगे मैं आपको सामने नहीं ला सकता, जब आएंगे तो बता देंगे आप, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर उनके पास सबूत हैं तो उनको दिखाने चाहिए, उनके कॉल डिटेल्स होंगे तो दिखा सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। तो हमेशा कार्रवाई कर रहे हैं, कभी भी जब से वह यहाँ कार्यरत हैं, अगर उनको लगता है कि कभी कलेक्टर ने रोका हो किसी अधिकारी को, उनको कभी कहा हो कि कार्रवाई नहीं, तो बता, उनके पास तो है फ़ोन है, कॉल डिटेल है। कलेक्टर का एसडीएम से विवाद तब हुआ जब रेत स्टॉक का पोर्टल देर रात चालू था और एसडीएम इसकी जांच करने पहुंच गए। कुलामुड़ी रेत स्टॉक के लिए खनिज पोर्टल गुरुवार रात तक चालू था, जबकि सरकार ने इसे शाम को ही बंद कर दिया था। रात में जब स्टॉक पर एसडीएम श्रीवास्तव जांच को पहुंचे तो वहां 50 डंपर खड़े मिले।
कार्रवाई के लिए खनिज विभाग के अफसरों को बुलाना चाहा, तभी कलेक्टर ने उन्हें बंगले पर तत्काल बुलाया और ऑफिसर्स क्लब की फाइल नहीं देने की बात की और घूम फिर कर रेत के मसले पर आ गए। मुझे 3 घंटे तक बंगले पर बंधक बनाकर रखा। साहब की असल नाराजगी रेत को लेकर थी। एसडीएम ने जब इसकी शिकायत प्रमुख सचिव कार्मिक से की तो बात भोपाल में मंत्रालय तक पहुंच गई। 12 बजे दूरभाष के माध्यम से कलेक्टर महोदय द्वारा कलेक्टर बंगले बुलाया गया था। मैं 3 बजे कलेक्टर बंगले से 3:30 बजे निकला हूँ जी। मेरी गाड़ी वही बंगले पे, मैं मेरे ड्राइवर को छोड़ने के लिए तहसीलदार की गाड़ी निकल रही थी तो मैं पैदल जा रहा था तो उसी से मैं निकला। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं एक सिविल सर्विसेज का अधिकारी हूं तो मैं आचरण नियम से बंधा हुआ हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे, इसी कारण मैं मीडिया में इस फोरम में अभी नहीं बोल सकता हूं। मेरे पत्र में मैं ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगा। फिलहाल एसडीएम श्रीवास्तव छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी जगह रात में ही आदित्य रिछारिया को नया एसडीएम बना दिया गया है। इधर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि रेत या अन्य मामलों को लेकर कलेक्टर और एसडीएम के बीच हुए विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है, यह प्रशासनिक विफलता है। मुख्यमंत्री से इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। इस कांड के बाद बीजेपी ने भी कमलनाथ सरकार में इस प्रशासनिक अराजकता पर सवाल उठाए हैं और कलेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। एसडीएम और कलेक्टर में विवाद चल रहा है और ये अन्य मामले और रेत के मामले हैं, ये सब आया है पेपरों में। इसके मैंने कमिश्नर जो आयुक्त है वहाँ के मिश्रा जी, उनसे कहा कि इस पूरी जानकारी लेकर भेजें और ये चीफ सेक्रेटरी साहब से और मुख्यमंत्री जी से इस मामले में चर्चा होगी कि प्रशासन में इस तरह का जो मामला है ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल, अब लूट मची है तो काय को लेकर मची है और क्यों कलेक्टर एसडीएम को बंदी बना रहा है? अगर ये हालत है तो फिर प्रशासन कैसा चल रहा है? क्या फिर मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहलाने का हक है? अगर ऐसी प्रशासनिक अराजकता हो जाए बहुत गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। बंदी बनाने वाले कलेक्टर पर प्रकरण दर्ज होने चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। कलेक्टर द्वारा एसडीएम को बंधक बनाए जाने के मसले पर कमलनाथ सरकार की जमकर किरकिरी शुरू हो गई है। रेत के अवैध व्यापार और उससे नेताओं और अधिकारियों के जुड़ाव के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कलेक्टर द्वारा अपने ही माथत को बंधक बनाने का यह अनोखा मामला है। इस मामले पर बीजेपी आक्रामक मुद्रा में है और वह कमलनाथ सरकार पर आक्रमण का कोई मौका नहीं चूक रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में इसी माह होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। कुटेरम के जंगल में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में मलांगिर एरिया कमेटी के 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान लच्छू मंडावी और पोड़िया के तौर पर हुई है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने इलाके की सर्चिंग की। सर्चिंग में 12 बोर की राइफल और 9 mm पिस्टल भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल के जवानों को 11 तारीख को सूचना मिली थी कि सीसी मेंबर के साथ 60 से 70 नक्सली कुटेरम के जंगल में मौजूद हैं। ये उपचुनाव में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सूचना के बाद सीआरपीएफ की टीम ऑपरेशन के लिए निकली। फोर्स ने तनेली गुमिया पाला और पेड़का के जंगल में सर्चिंग की। फोर्स को देख नक्सली 2 टुकड़ियों में बट गए। शुक्रवार रात करीब 12 बजे कुटेरम के जंगल में डीआरजी से मुठभेड़ हुई। अचानक करीब 11:30 बजे के करीब कुछ नक्सलियों द्वारा जो है पुलिस फोर्स पर हमला करने की कोशिश, 7 से 8 नक्सली थे। करीब 10 मिनट फायरिंग चला, उसमें नक्सली भाग खड़े पर सर्चिंग में 2 बॉडीज मिली हमें और एक मिली 9 mm पिस्टल मिला और साथ में 12 बोर का हथियार मिला, 12 बोर राइफल। फिर 8 राउंड मिले, 6 राउंड इसके मिले। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों की मिलिट्री दलम मौजूद थी। फोर्स को भारी पड़ता देख नक्सली अपने साथियों के शव छोड़कर भाग खड़े हुए। जानकारी के मुताबिक मारे गए माओवादियों पर 21-21 मामले पंजीबद्ध थे। इनकी पुलिस को लंबे अरसे से तलाश थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये नक्सली चोलनार ब्लास्ट, मदाड़ी ब्लास्ट, SPL एक वारदात मेलेरिंग एरिया में हुए मुठभेड़ में भी शामिल थे। हाल ही गुमिया पाल के ग्रामीणों के अपहरण मामले में भी इनका हाथ होना बताया जा रहा है।
दमोह के पथरिया में बसपा विधायक रामाबाई ने प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर के यहां छापामार कार्रवाई की। रामाबाई ने कहा कि बहुत दिनों से डॉक्टर पुष्पेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ प्राइवेट प्रैक्टिस करने की शिकायत मिल रही थी। डॉक्टर त्रिपाठी सरकारी सैलरी लेते हैं और मात्र सिग्नेचर कर यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ज्यादा तो इनकी क्लिनिक में दवाइयाँ पाई गई। ज्यादातर दवाइयाँ सरकारी अस्पताल की हैं जिनको यहाँ बेचा जा रहा है। रामाबाई ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनका भी इन सब में हाथ है। उसमें एक डॉक्टर पदस्थ हैं, त्रिपाठी हैं, जिनकी शिकायत लगभग बहुत लंबे समय से है पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसमें लिप्त हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही है और ये खुद 15,000 रुपये सरकार से लेते हैं प्रैक्टिस ना करने की। उसके बावजूद भी अस्पताल में जाते हैं, सिर्फ साइन कराते हैं और साइन करके अपना खुद प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं। पथरिया विधानसभा से लेके पूरे दमोह जिले में 21 डॉक्टरों की कमी है, उसके बावजूद भी जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं जो भी अपने लगे हुए हैं उपस्वास्थ्य केंद्रों में, वो अपना खुद ही प्रैक्टिस कर रहे और अस्पतालों में ताला डाले, उनके ऊपर FIR दर्ज होगी। रामाबाई ने कहा कि एक तो वैसे ही दमोह में डॉक्टर्स की कमी है, ऊपर से ये प्राइवेट प्रैक्टिस का धंधा चला रहे हैं। रामाबाई शायद भूल गए कि वो सरकार को समर्थन दे रही हैं और सरकार से डॉक्टर्स की कमी को पूरा करवाने के लिए कमलनाथ सरकार से कह सकती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के बजाय रामाबाई राजनीति में ज्यादा व्यस्त नजर आ रही हैं। बहरहाल रामाबाई ने डॉक्टर्स पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब से कोई कर्मचारी पथरिया में लापरवाही करता नजर नहीं आएगा। शाजापुर में हो रही लगातार और भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। चीलर नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी गांव में घुस गया है। बेरछा गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। मजबूरी में लोगों को घरों की छत पर पनाह लेनी पड़ी। वहीं पानी भरने से कई लोग अपना मकान छोड़कर चले गए हैं। इधर लखुंदर नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सड़क, खेत, गली, मोहल्ले सब जगह नदी का पानी नजर आ रहा है। शाजापुर जिले के बिरछा के पलासी गांव में एक युवक विक्रम सिंह पुल में पानी आने से बह गया। हादसा उस वक्त हुआ जब वो पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। लखुंदर नदी का जलस्तर बढ़ने से शाजापुर कनाड मार्ग बंद हो गया है। पुल पर 5 फीट से ज़्यादा पानी आ गया है। शाजापुर के मंदोड़ा गाँव में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश को देखते हुए जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। गांधी सागर डैम का लेवल 1,312 फीट तक पहुंच गया है। मंदसौर जिले के साथ साथ इंदौर, उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम और आसपास के सभी जिलों में लगातार भारी बारिश होने से गांधी सागर डैम के सभी गेट खोलने के बाद भी पानी का स्तर बढ़ रहा है। कम होने का वर्तमान में कोई संभावना नहीं दिख रही। कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, थाना प्रभारियों, सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं, आशाओं और सभी तरह के प्रशासनिक अमलों को निर्देश दिया है कि ऐसे स्थान जहां पर पानी घुसने की पूरी संभावना है या घुस सकता है, वहां के लोगों को निकालकर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। कलेक्टर ने सभी लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि अगर गांव व घरों में पानी घुसा है तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, पानी और अधिक बढ़ने की संभावना है। नदी नाले सभी अपने खतरे के स्तर से ऊपर बहने लगे हैं। पानी की लगातार आवक बनी हुई है, इसीलिए अब सुरक्षित स्थानों पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। गांधी सागर बांध के सभी 19 गेट खोले गए हैं। चंबल नदी का पानी भगोर गांव में घुसने की सूचना पर गांधी सागर बांध के इंचार्ज को सभी 19 गेट खोलने को कह दिया गया है। सभी गेट से 4.76 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मंदसौर में शिवना नदी का पानी बढ़ने से कालाभाट बांध के 4 गेट खोले गए हैं। सुवासरा में रात भर से बरसात का दौर जारी है। एक हादसे में कार के बहने के कारण 2 युवक नाले में फंस गए, जिन्हें थाना अफजलपुर की डायल 100 के चालक राकेश बैरागी व आरक्षक सुरेंद्र सिंह शाकवत ने नाले से बाहर निकाला। पेटला में जोरदार बारिश से तालाब का पानी गांव में आने लगा है। नाहरगढ़ क्षेत्र में रात भर ये भारी बारिश होती रही। भवानी मंडी में स्टेशन से भेसोदा जाने वाले रोड पर भी पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इशाकपुर में तुम्बड़ नदी का पानी घुसने की सूचना है। गांव से निकलने के सभी मार्ग बंद हो गए हैं। वहां के ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं। गांधी सागर में सुसाइड पॉइंट में एक हादसे में एक कार चंबल नदी में गिरी, कोई जनहानि नहीं हुई है। मंदसौर में
पेलिया तालाब में पानी की आवक बढ़ने से रेवास देवड़ा रोड पर पूर्व की तरह ही पानी सड़क पर आ गया है। कालाभाटा डैम के 6 गेट 11.5 फीट तक खोले गए हैं। ग्राम रुनिजा में कंठाली नदी उफान पर होने से पानी बाजार में घुसा है। कई दुकानें पानी की चपेट में हैं। अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी आंजना में एक तरफ से पुल का हिस्सा पूरी तरह से कट चुका है। इस बारिश में करीब पुल पर 20 से 25 फीट पानी आ गया है। प्रशासन की अनदेखी के चलते लोगों की परेशानियां कैसे बढ़ जाती हैं, यह आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। दरअसल मामला सीहोर जिले के ग्राम खोखरी का है, जहां मुस्लिम समुदाय के फैज बख्श मौलाना का इंतकाल हो गया। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी पानी नाले में से कम नहीं हुआ तो जनाजे को नाले के पार ले जाने का फैसला किया गया। बरसात की वजह से नाले में भरपूर पानी चल रहा था। ऐसे में नाले के दोनों ओर एक रस्सा बांधा गया और फिर मजबूरन जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए नाले में से होकर सबको गुजरना पड़ा। वहाँ पर एक हमारे फेज बगर साहब का इंतकाल हुआ था और उनकी मैयत को ले जाने के लिए जब लोगों ने काफी देखा कि बड़ी समस्या है तो फिर एक नाला पड़ता है, नाले में से मजबूरी है बरसात में निकालना पड़ता है। तो नाले में रस्सी बांधी और रस्सी बांधने के बाद मैयत को कंधों पे लेके लोग कब्रिस्तान में लेके जा रहे थे तो 5-5, 6-7 फुट पानी भरा हुआ था। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां लेके जा रहे थे। इस बात की जब पूरी बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने अपने स्तर पर सीओ विधानसभा में विधायक सुरेश राय जी और भोपाल में आरिफ मसूद जी से बात करी है कि इसके लिए अपन को कुछ करना चाहिए और उन्होंने कहा ऊपर बात। इस गांव में कब्रिस्तान जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है और सालों से की जा रही मांग के बाद भी इस नाले पर पुल बनाया ही नहीं गया। पुल नहीं होने के चलते बरसात के दिनों में अगर किसी का निधन हो जाए तो लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ऐसे हालात बन जाते हैं। इंदौर रोड पर सुबह सड़क किनारे खड़े ट्रक में शुक्ला ब्रदर्स की बस पीछे से जा घुसी, जिसके बाद दर्जन भर यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस यात्रियों को बिठाकर उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना हुई थी। बस निगौरा टोला नाके के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से जा घुसी। दुर्घटना में आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। इनमें 3 लोग उज्जैन दर्शन के बाद इंदौर लौट रहे थे, जबकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस का ड्राइवर लापरवाही पूर्वक तेज गति से बस चला रहा था। ओवरटेक करने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और बस ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना के बाद बस का चालक बस में ही फंस गया और उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर लगे जाम को खुलवाया। एक शख्स जो बेहद खुश है, जो पूरी मसरूफियत से नागिन डांस कर रहा है, डांस करते करते कई तरह के स्टंट भी कर रहा है, वो नहीं जानता अगले ही पल उसके साथ क्या होगा। वो नागिन की तरह लहरा कर ज़मीन पर कूदता है और फिर उठ ही नहीं पाता। एक स्टंट उस पर भारी पड़ जाता है, पल भर में उसका दम निकल जाता है और डांस करते करते उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। घटना सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम कटिया की है। गांव में सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमा बिठाई गई थी, जहां विगत रात्रि प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान नागिन डांस करते समय सिर के बल गिर जाने से गुरुप्रसाद ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक गुरुप्रसाद ठाकुर को पूर्व में दुर्घटना में सिर पर चोट लगी थी, उपचार के बाद वह ठीक हो गया था, लेकिन नागिन डांस करते समय सिर के बल गिर जाने से उसकी मौत हो गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।